अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेहजंग एंड आई वेलकम यू ऑल इनटू आवर न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर। डियर कैडेट्स, नोट्स बनाते हुए आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप एक रजिस्टर लें और उस रजिस्टर के अंदर एक तसलसल के साथ आप नोट्स बनाते जाएँ, जिस तरीके से मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, दरमियान में स्किप ना करें या पेजेस लेके उनके ऊपर नोट्स ना बनाएं। डियर कैडेट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है जब हम कभी भी कोई मेजरमेंट लेते हैं, और एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। डियर कैडेट्स, अगर हम देखें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी, कि प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होती है और एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती है। अगर हम बुक की डेफिनेशन में देखें जो ग्रीन पोर्शन में लिखी है, प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन, प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है विच हैज लेस, जिसके अंदर कम, प्रिसीजन जो प्रिसाइज ना हो ज्यादा, या दूसरे अल्फाज में जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो आपके पास ज्यादा ना हो। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब होता है लीस्ट काउंट। हमें ये चीज पता है कि जितना आपके पास लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा, उतना ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्यूरेट होता है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट 0.0001 हो और एक और सिर्फ 0.1, तो हमें पता होता है जिसके जितने ज्यादा जीरो होंगे वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो जो एक्यूरेसी है आपके पास, बल्कि प्रिसीजन है, प्रिसीजन रिलेट करती है हमारे पास लीस्ट काउंट के साथ। तो किसी भी चीज को आप तब एक्यूरेट कह रहे होते हैं या तब प्रिसाइज कह रहे होते हैं जब आपको ये पता होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट इस काबिल था कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे सके। तो ये जो लफ्ज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब होता है लीस्ट काउंट। तो अगर आप दूसरे अल्फाज में देखें तो आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, कि जितना अच्छा लीस्ट काउंट होगा, जितना जबरदस्त किस्म का लीस्ट काउंट होगा, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, उतनी जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास जो है। तो लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ये इक्वल हैं। तो जितना अच्छा लीस्ट काउंट उतना आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के चांसेस कम होते हैं। और दूसरी चीज अगर हम पढ़ें, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है उसमें लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर होता है। इसमें आपके पास लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब ये लीस्ट काउंट से रिलेट करती है, वो आपके पास उसमें जो फ्रैक्शनल या परसेंटेज में जब एरर निकालते हैं तो वो हमारे पास कम होता है, ये रिलेट करती है मेजर्ड वैल्यू के साथ। डियर कैडेट्स, जैसा कि हमें पता है कि टाइम जो है, टाइम की एक प्रॉपर डेफिनेशन है सेकेंड की, इसी तरीके से बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं। जैसे जी, स्मॉलर जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, आपको पता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम करते क्या है कि जब हम उसे लैब में मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसकी, तो हमारे पास कभी कभी ऊपर नीचे आ जाती है वैल्यू। तो हमें एक्यूरेट वैल्यू पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो मेजरमेंट हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट से कितनी आगे पीछे है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में जो वैल्यू हम लेते हैं वो मेजर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, ये आप देखते हैं। जबकि प्रिसीजन में आप ये देख रहे होते हैं कि जो वैल्यू आपने ली है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली है, उसका लीस्ट काउंट कैसा था, जैसा लीस्ट काउंट था वैसी वो वैल्यू आती है। इसकी कुछ एग्जाम्पल हमारे पास पेज पे दे दी गई है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम तरीका देख लेते हैं, और बिल्कुल लेक्चर के एंड पे इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, बुक में जरा कंफ्यूजिंग सी है, लेकिन जो प्रॉपर पेट डेफिनेशन है वो आपको मैं नोट्स की शक्ल में दिखा दूंगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारे जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनकी। डियर कैडेट्स, हमें पेज नंबर 10 के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर, दूसरा जो पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो लेंथ मेजर की गई वो थी हमारे पास 25 सेंटीमीटर, बल्कि 25.5 सेंटीमीटर है, तो 25.5 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग अ मीटर रॉड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर, एक मीटर रॉड को इस्तेमाल किया गया जिसके जो सबसे जो लीस्ट काउंट था वो मिलीमीटर में था। इट इज द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द अनसर्टेनिटी ऑफ द इन द सिंगल रीडिंग एज डिस्कस बिलो इज टेकन एज प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। कहता है कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी होने के चांसेस हैं मीटर आर्ट से चीज को कैलकुलेट करते हुए, वो या तो 0.05 सेंटीमीटर चीज को ज्यादा मेजर कर देगा या कम मेजर कर देगा।
which is now doubled and is called absolute uncertainty equal to 0.1 centimeter. तो उसने कह दिया कि इसका जो least count है वो प्लस माइनस या चीज प्लस का मतलब होता है या वैल्यू ज्यादा ले लेना, माइनस का मतलब होता है वैल्यू कम लेना, कितना दिया गया 0.1 सेंटीमीटर। तो डियर गाइस ये हमें वो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल को, और उसके साथ साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली रिलेट करती है लीस्ट काउंट के साथ, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर प्लस या माइनस में। तो डियर कैरेट्स इस वैल्यू से हमने क्या अंदाजा लगाया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बुक में उसने पूरी दी तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज ऐड कर लें जिसमें आपके पास इसको कैलकुलेट करने के लिए लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। अब आप देखें कि लीस्ट काउंट हमें कितना दिया गया, हमें लीस्ट काउंट दिया गया 0.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट हमें दी गई 25.5, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो ये आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.004। तो डियर कैडेट्स पहले बताया मैंने आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कितना लीस्ट काउंट है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का भी तरीका आसान है कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कर दें, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट की तो आपके पास 0.4। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज आपको वैसे भी पता है कि जब आप मालूम करते हैं तो आप तरीका यही रखेंगे एंड पे जो जवाब आता है उस जवाब को हम किसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसका भी तरीका यही है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, तो लीस्ट काउंट 0.1, मेजरमेंट 25.5 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास जवाब आना था 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप मल्टीप्लाई 100 यहां पे भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई पे बल्कि 0.04 है, 0.04 है, तो जब ये दो दफा आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.4 बन जाएगा, तो आपके पास आ गया इसका जवाब 0.4%। तो ये आपके पास आ गई, तो ये तरीका होता है डियर कैडर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसका मतलब लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन में आपने क्या करना होता है, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना होता है एक्चुअल मेजरमेंट के साथ, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होते बराबर है लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर। डियर कैडेट्स इसके बाद हमें कुछ एक और एग्जांपल दी गई, जिस एग्जांपल में पेज नंबर 11 पे अनदर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज 0.4। एक हमारे पास मेजरमेंट वो ये कहता है कि लीस्ट काउंट जो है वो आपके पास है 0.01 सेंटीमीटर और मेजरमेंट दी गई है 0.45 सेंटीमीटर। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का मतलब है ये होगा 0.01 सेंटीमीटर, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा 0.01 डिवाइडेड बाय कितना 0.45। ये दोनों जब आपस में डिवाइड होंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 0.02। और परसेंटेज निकालने के लिए तरीका वही होगा, वैल्यू चेंज कर देंगे तो 0.45 जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डियर कैडेट्स 2%। तो ये कुछ एग्जांपल दी गई थी, उसके बाद भी एग्जांपल दी गई है लेकिन यही थी दो बेसिक एग्जांपल जिसमें आपको पता चला कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लीस्ट काउंट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल मेजरमेंट के साथ, कि जो आपने मेजरमेंट ली और जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था दोनों को डिवाइड किया तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। और फ्रैक्शन में अगर आपको समझ नहीं आ रही तो परसेंटेज में कर लें, परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। उसके बाद कुछ असेसमेंट दी गई है कि अगर आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, पावर लग गई है तो कैसे करते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं वो हम स्टडी करते हैं। डियर गैलर्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास असेसमेंट हम कैसे करते हैं टोटल अनसर्टेनिटी की, कि जो हमने वैल्यू ली है
इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, ये वैल्यू कितनी अनसर्टेन है, ये कितनी अनश्योर है हम इसके बारे में, या कितनी इसमें गलती हो सकती है, कितना एरर आ सकता है फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो फिर हम इस अनसर्टेन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहता है, पहली एक चीज डेफिनेशन आपने याद करनी है, अल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ऐड कर देते हैं, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमें दो वैल्यू दी गई, एक वैल्यू दी गई हमें x1 कितनी 10.5 और इसमें लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू हमें दी गई x2 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डियर कैडेट्स, अगर हम इन दोनों वैल्यू को करें ऐड तो भी हमें इन अनसर्टन वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है, और इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी वही काम करना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मीन लाइक लीस्ट काउंट को आपने ऐड ही करना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें और इनको ऐड करें तो इनको तो प्लस करना है, ये तो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट है वो ऐड होंगे हर हालत में, तो ये आपके पास 0.2 हो जाएगा प्लस माइनस, और अगर इनको आप माइनस कर रहे हो तो ये आपस में माइनस होंगे, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट हर हाल में आपस में क्या होगा, ऐड ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड का मतलब ये है कि चाहे हो एडिशन रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट, ये हर हालत में आपस में ऐड होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमारे पास क्या होता है। डियर कैडेट्स, हमारे पास जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रही होती है तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट जो है वो नहीं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है, ऐड होती है। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजरमेंट्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें दिया गया है कि करंट कैलकुलेट किया गया, करंट में जो रेजिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला दिया आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, पहले वी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं फिर आई को, दोनों को डिवाइड कर देते हैं और दोनों की अलग अलग एरर निकाल लेते हैं। वी की जो वैल्यू मेजर की गई है वो हमारे पास है 5.2 प्लस माइनस 0.1। 0.1 का यहाँ पे मतलब डियर कैरेट्स ये हुआ कि आपके पास लीस्ट काउंट है, तो इसके लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए परसेंटेज अनसर्टेन वैल्यू कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट्स। तो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1, मेजरमेंट्स आपके पास 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 2%। उसके बाद आई की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है ये देखें, आई की वैल्यू हमें दी गई है जो मेजरमेंट में हमारे पास आई की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो 0.84 प्लस माइनस 0.05। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो इसका भी तरीका वही है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप देखें लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट 0.05 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मेजरमेंट 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 6%। अब दोनों आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, एडेड का क्या मतलब होता है 2% प्लस 6%, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी वैल्यू में कितनी आ गई 8%। तो इसका मतलब है बी की वैल्यू 5.2, आई की वैल्यू 0.84, जो जवाब आएगा उसमें आप प्लस माइनस कितनी परसेंट कर देंगे 8%। तो डियर कैडेट्स, इस तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाली जाती हैं जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अब आप देखें 8%, व्हाट इज 8%, अब 8% का क्या मतलब है कि जो आंसर आएगा उसमें 8% चीज गलत हो सकती है। अब 8% निकालने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका एक शॉर्टकट है आपके पास, ये जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। डियर कैडेट्स, हमने आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई, 5.2 डिवाइड बाय 0.84, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 6.2 और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी थी 8%।
अब हम देखें कि हमारे पास 8% का क्या मतलब है। 8% का ये मतलब है कि ये जो आंसर आया है 6.2, इसमें गलती हो सकती है कितनी, 8%। अब 6.2 का 8% कितना होता है, 6.2 का 8% कितना होता है, तो ये एक चीज आपके काम आएगी, ये याद रखिएगा। जब भी किसी नंबर का 8% 8% 10% 20%, जैसा कि अक्सर बच्चे जो है वो करते हैं कि जी पेपर के टोटल नंबर थे 50 नंबर का पेपर था, इसमें 40% के कैसे निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपके पास है कि 50 नंबर मल्टीप्लाई 40% निकालने हैं, तो 40% निकालने हैं, 0.40 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 50 नंबर थे, 50 का 33% निकालना है, तो 33% निकालना हो तो 0.33 कर दें, तो 50 के साथ 0.33 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है वो 50 का 33% मिल जाएगा। अब इस केस में जहां पे आपके पास 6.2 है, 6.2 का 8% निकालना है, अगर यहां पे डिजिट 10% 20% 30% दो डिजिट्स में हो, फिर तो आप 0.40 करें। अगर यहां पे परसेंटेज निकालनी हो सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में क्या मतलब कि 6.2 है, 6.2 की परसेंटेज कितनी निकालनी है, 8%। डबल फिगर नहीं है, डबल फिगर 10 के बाद होता है, 10 11 12 से लेके 100 तक, 8% है, तो 8 पॉइंट को लगाना है, लेकिन पॉइंट से पहले क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि डियर कैडेट्स आपके पास 6.2 मल्टीप्लाई 0.08, तो आपके पास ये आ जाता है इसका आंसर 06.2 प्लस माइनस 0.496। अब 6 जब खत्म होगा 9 में एक एडिशन होगा, 9 में एक एडिशन होगा और 4 जब खत्म होगा तो ये बन जाएगा 6.2 प्लस माइनस 0.5। तो डियर कैडेट्स ये होता है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका, और ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ये किसी नंबर पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन नंबर अगर हो आपके पास सिंगल डिजिट में, जैसा मैंने आपको बताया 30 नंबर है, 30 नंबर का जरा 6% निकालें तो 30.06 करेंगे, लेकिन अगर ये 10% निकालना हो तो फिर 0.10, 20% निकालना हो तो फिर 0.20। तो डबल डिजिट में अगर परसेंटेज निकालनी हो तो पॉइंट के बाद उतने से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर सिंगल डिजिट हो, 2% हो, 3% हो, 4 हो से 9 तक, तो पॉइंट और फिर एक जीरो ऐड करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो था आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम मूव करते हैं कि अगर आपके पास पावर लगी हो किसी वैल्यू में तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डियर कैडेट्स इसके बाद हमने पढ़ना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अगर पावर फैक्टर कोई फार्मूला ऐसा आ जाए जिसमें पावर आ जाए तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें ये चीज मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वैल्यू आती है उसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय दैट पावर, उस पावर के साथ। तो वॉल्यूम का आपके पास फार्मूला होता है V=4/3πr³। अगर आपके पास क्यूब है, क्यूब आपके पास पावर है, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पावर के साथ। तो फिर देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय पावर, तो इसका क्या मतलब हुआ डियर कैडेट्स, इसका ये मतलब हुआ परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई पावर कितनी है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। अगर हम देखें बुक के अंदर इसका सलूशन देखें तो आपके पास उसने बताया है कि एक वैल्यू है जो मैयर की गई है रेडियस की 2.25 सेंटीमीटर, और जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर। अब वही तरीका जो हम पहले से करते आ रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले रेडियस के अंदर परसेंटेज निकालेंगे, रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका होगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजरमेंट कर दी, उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपको क्या मिल गया 0.4%। तो जब आपने रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी निकाली तो रेडियस की अनसर्टेनिटी हमें मिल गई 0.4%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास 0.4 मल्टीप्लाई इट विद द पावर, मल्टीप्लाई इट विद पावर का मतलब होता है 3, 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास 1.2% आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम के फार्मूले को जब मुकम्मल सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा आपके पास, उस आंसर में जो वैल्यू गड़बड़ कर सकती है वो 1.2% कर सकती है। तो हम इस फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, V=4/3πr³। सारी वैल्यूज लगाए और लगाने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 47.7
689 जैसे राउंड ऑफ करके 47.7 कर सकते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास कितनी थी, 1.2%। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि अब यहां पे 47 का 1.2% निकालना है, तो 47 का 0.7 का 1.2 निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट अब 1 आपके पास एक सिंगल फिगर है तो 0 1 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 करके देख लेते हैं, तो 47.7 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0.012, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.5724। तो ये आपके पास 47.7 और यहाँ पे आपको प्लस माइनस वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 0.5724। आप इसको 4 को राउंड ऑफ करें, 2 को राउंड ऑफ करें, 7 को, इन सब को राउंड ऑफ करते जाएं तो ये आपके पास 47.7 प्लस माइनस 0.6 बन जाता है। इतनी वैल्यू आपके पास रिजल्ट में गड़बड़ हो सकती है। तरीका वही था सारा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, सिर्फ आपने क्या किया, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई उसे पावर के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे पावर 2 होती, स्क्वेयर होती, तो मल्टीप्लाई 2 कर देते, क्यूब थी मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 4 होती तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते। उसके बाद हम एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करने का डियर कैडेट्स तरीका देखते हैं। डियर कैडेट्स, अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू को अंदर निकालने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू की एवरेज निकालें। फाइंड द डेविएशन, फिर डेविएशन देखें कि असल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी दूर हैं। फिर उस जो डेविएशन है उनकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। और अनसर्टेनिटी कैलकुलेट, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। तो एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है। एक दफ़ा आपने चीज़ की वैल्यू ली, दूसरी दफ़ा ली, तीसरी दफ़ा ली, तीनों दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आई जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तीनों दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आने के बाद आप क्या करते हैं, उन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और 3 ही से डिवाइड कर देते हैं। 4 दफ़ा वैल्यू ली है, चारों को ऐड करें, 4 से डिवाइड कर दें। 5 दफ़ा किसी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ली है, 5 दफ़ा पांचों वैल्यू को आपस में ऐड करें और डिवाइड बाय 5 कर दें। तो जितनी दफ़ा किसी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं उनको आपस में ऐड करें और उतने से ही डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक एवरेज वैल्यू निकल आती है। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें जो दिखाया गया है वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो कैडेट्स, हमें जो दिया गया है वैल्यू दी गई है 6, वो 1.20 और 1.21। अब इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करें और ये वैल्यू देखें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ डिवाइड कर दें। 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय 6 कर दें। अब आप जब हम ये काम करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं डिवाइड बाय 6 करते हैं, तो हमें एक पेंट वैल्यू मिलती है 1.21। ये जो 1.21 है ये हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। अब हमने ये देखना है कि इस वैल्यू को कंपेयर करना है इनके साथ कि इनमें कितना डिफरेंस है। अब आप देखें 1.21 और 1.21 में 0.1 का फर्क है, प्लस 1.21 इसमें भी 0.1 का फर्क है, इसमें भी 0.2 का फर्क है। इसमें देखें और इसमें देखें, कंपेयर करें तो 0.2 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, 0.1 ये आपके पास 1 का फर्क है और आखिर में कोई फर्क नहीं है। आखिर वाली वैल्यू 0.21 है और वहां पे भी 0.21 है, इसे डिवाइडेड बाय 6 कर दें। जब आप इसे डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपको जो लीस्ट काउंट एक वैल्यू मिल जाएगी डेविएशन की, वो आपको मिल जाएगी 0.01। तो डियर कैडेट्स, ये आपके पास तरीका होता है वैल्यू निकालने का। अब आप देखें तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 1.21 थी। इसमें आप इजीली कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी अनसर्टन हो सकती है, कितनी अपनी जगह से डेविएट हो सकती है, 0.01। तो जो एवरेज वैल्यू है इसमें निकालना काफी आसान है कि सबसे पहले एवरेज निकालें, एवरेज निकालने के बाद उस एवरेज वैल्यू को कंपेयर करें कि डेविएशन कितनी है। ये डेविएशन प्लस माइनस ना करते रहना, डेविएशन में सिर्फ फर्क देखें 21 और 20 में कितना फर्क है, 1 का फर्क है, 22 और 21 में 1 का फर्क है, 23 और 21 में 2 का फर्क है। तो इस तरीके से ये आपने डेविएशन जो है वो देखनी है।
उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पास जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसमें हमें किन चीजों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि टाइमिंग के एक्सपेरिमेंट अगर हो जाए आपके पास तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आंसर देखें कि टाइमिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए हम करते ये हैं कि जो लीस्ट काउंट है उसे नंबर ऑफ डिवीजन के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो आपकी बुक में उसने बताया फॉर एग्जाम्पल द टाइम ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडोलम, सिंपल पेंडोलम मूव कर रहा था उसकी टाइम ऑफ वाइब्रेशन मेजर की गई जिस स्टॉप वॉच के साथ, वो एक्यूरेट थी 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1, ये उसका लीस्ट काउंट उसने बता दिया। और जो टाइम नंबर ऑफ डिवीजन बताई वो कितनी थी, 30 नंबर ऑफ डिवीजन थी। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन किया तो आपको पता चला कि ये कितनी इसमें मिस्टेक हो सकती है, 0.003। तो फिर हमने टाइम पीरियड मालूम कर लिया इजीली, क्योंकि हम अमूमन जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं। और टाइम पीरियड कैसे मालूम होता है, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम हमारे पास लिया पेंडोलम ने 30 वाइब्रेशन मुकम्मल करने का, 54.6 सेकेंड वाइब्रेशन थी 30, दोनों को डिवाइड किया हमें टाइम पीरियड मिल गया 1.82। हमें पता चला कि 1.82 अगर आपके पास टाइम पीरियड आ रहा है तो इसमें कितनी मिस्टेक हो सकती है, 0.003 सेकेंड हो सकती है। तो डियर कैडेट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके असाइनमेंट्स जो है वो मैं आपकी अपलोड कर दूंगा, और इसको लिखना और इसको नोट्स बनाने का जो एक सैंपल है वो भी लेक्चर के एंड पे आपको नजर आ जाएगा, उसको फॉलो करें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसी को फॉलो करते हुए आपने अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल करना है। डियर कैडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।